गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आज जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो हम असाइनमेंट के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कक्षा छठवीं हिंदी सेकेंड असाइनमेंट, कक्षा छठवीं हिंदी सेकेंड असाइनमेंट जो कि 20 मार्क्स का है और यहाँ पे गुण लिखा हुआ है, गुण को ही हम मार्क्स बोलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो जो 8 मार्क्स का है, 8 गुण, ठीक है। पहला प्रश्न है, बिनिया बाग में क्या कर रही थी। पहला प्रश्न है बच्चे, बिनिया बाग में क्या कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, माँ को क्या बातें अखर रही थी। तीसरा प्रश्न है, मकोड़े खाने तक कैसे पहुँचते हैं। और चौथा प्रश्न है, सिया ने बिनिया को अपने बारे में क्या बताया। पाँचवा प्रश्न है, शेर की मौसी किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चे, शेर की मौसी किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है, सूरज का मामा कैसा बनकर आया है। सातवा प्रश्न है, सभी लोग किससे परेशान है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, सभी लोग किससे परेशान है। और आठवां प्रश्न है, लू के झोंके क्यों चल रहे हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न है बच्चे, लू के झोंके क्यों चल रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये 8 मार्क्स का प्रश्न उत्तर है और आप इसे अच्छी तरीके से लिख भी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। अब है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। ये है 5 मार्क्स का। यहाँ पे गुण, मतलब गुण को ही मार्क्स बोलते हैं। अब पहला है तमतमाता, दूसरा है आंधी, तीसरा है नदी पोखरों, और चौथा है लापरवाही, और पाँचवा है सूरज। ये छोटे छोटे शब्द हैं जिसको आप अपने ढंग से वाक्य बना सकते हैं और आप अच्छी तरीके से बना लेंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर मैं बताती हूँ, पहला है तमतमाता, दूसरा है आंधी, तीसरा है नदी पोखरों, चौथा है लापरवाही और पांचवा है सूरज। अब है, ये सबसे आसान है, उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द बनाओ। शब्द बनाओ जो 3 मार्क्स का है। अब देखिए, काव सूघने काप्ती इतजार अदर रग, इसको आपको कहाँ पे अनुस्वार लगेगा और कहाँ पे चांद बिंदु लगेगा ये करके आपको पता ही है, ये कैसे आपको करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द बनाओ, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है और एकदम इजी है। 3 मार्क्स का ये हो गया। और अब देखिए, शब्द किसे कहते हैं, 2 मार्क्स का है। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखो, वो 2 मार्क्स का है। हस्त मुख दंत सर्प, इसका आपको तद्भव लिखना है। हस्त मुख दंत सर्प, तो देखिए 2 मार्क्स ये हो गया, 2 2 4 और फिर 5 6 7, ठीक है, और फिर ये 5 मार्क्स क्या था, 5, देखिए फिर से 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 8, 20 हो गया, जोड़ लीजिए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 मार्क्स का प्रश्न उत्तर है और आप इसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और एकदम आसान आसान प्रश्न है जिसका आप हल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं।